अतः 17वां अध्याय महाराज परीक्षित द्वारा कलियुग का निग्रह। सुतोवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमान वनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम्। वहां पर राजा परीक्षित ने देखा कि राजा के वेश बनाए हुए कोई शूद्र अपने हाथ में दंडा लेकर गौर बैल के जोड़े को ऐसे पीट रहा था जैसे कि अनाथ हो। 16वें अध्याय के बाद 17वें अध्याय में राजा परीक्षित के द्वारा कली के निग्रह का वर्णन इसीलिए किया जा रहा है कि इस तरह के पराक्रम से संपन्न राजा परीक्षित के अद्भुत वैराग्य का आगे वर्णन किया जा सके। ताड्यमान का अर्थ मारे जाते हुए, अर्थात वह शूद्र गौर बैल को जोड़े को बड़ी निर्दयता के साथ मार रहा था। वृषंग मृणाल धवलम मेहम तमिव बिभ्यतम बेपमान पदैकेन शीदंतं शूद्रताड़ितम्। एक पैर से खड़ा तथा दुखी भयभीत कांपते हुए तथा डर के मारे मूत्र त्याग करते हुए मृणाल तंतु के समान श्वेत वर्ण के बैल को शूद्र के द्वारा पीटे जाते हुए राजा ने देखा। गां च धर्म दुघांगीनां भृशंग शूद्र पदाहतां विवत्सां शास्त्रवदनां क्षावां जव समीच्छतीं। धर्म के साधनभूत दूध दधि घृत इत्यादि को पैदा करने वाली दीन शूद्र के पैरों द्वारा बहुत अधिक प्रताड़ित बछड़े रहित जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दुर्बल तथा भूख के कारण घास खाना चाहने वाली गौ को राजा ने देखा। धर्म दुघाम का अर्थ है भविष्य को उत्पन्न करने वाली, क्षमाम अर्थात अत्यंत दुर्बल, क्षामाम यवस अर्थात तृण खाना चाहने वाली, शस्यादि के नहीं उत्पन्न करने के कारण विवत्सा के समान पृथ्वी थी, यज्ञ इत्यादि के नहीं होने के कारण वह कृश थी, अतएव यज्ञ के भाग को प्राप्त करना चाहती थी पृथ्वी, इस अर्थ को भी सूचित किया गया है। पप्रच्छरत मारूढ़ कार्तस्वर परिच्छदं मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुक। सुवर्ण जटित रथ पर बैठे हुए और धनुष को चढ़ाए हुए राजा ने मेघ के समान गंभीर वाणी से पूछा, कस्त्वं मत्सरणे लोके बड़ा ध्वंस बलान बली नरदेवो शिवेशेण नटवत् कर्मणा बीज। अरे तुम कौन हो जो मेरे राज्य में बलवान होकर भी बलपूर्वक दुर्बल पशुओं को मार रहे हो? तुम नट के समान राजा का वेश बनाए हो किंतु तुम्हारा कर्म शूद्र का है। कस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गांडी वधन्वनां शोच्योस्य शोच्यान् रहसी प्रहरन् वधर्ममर्हसी। गांडीव धनुषधारी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन कर जाने पर तुम कौन हो जो एकांत में निरपराधों को मार रहे हो? अतः तुम वध कर दिए जाने का योग्य हो। त्वं बा मृणाल धवल पादेर न्यून सदा पदाचरन वृष रूपेण किं कश्चित देवो न परिखेदयन। कमल नाल के समान श्वेत वर्ण वाले तीन पैरों से रहित होने पर भी एक ही पैर से संचरण करने वाले तथा मुझको अत्यधिक चिंतित बनाने वाले आप कोई देवता है क्या? इस तरह से राजा ने धर्म से पूछा। न जात पौरवेन्द्राणां दुर्दंड परिरंभिते भूतले नु पतन्त्यस्मिन् बिनाते प्राणिनां सुच। पूर्ववंशी राजाओं की भुजाओं से संरक्षित इस भूतल पर आपको छोड़कर किसी भी प्राणी के शोकाश्रु नहीं गिरते हैं। भुजाओं से परिरंभित अर्थात परिरंभित के समान सुरक्षित इस पृथ्वी पर आपकी
शोकाश्रुओं को छोड़कर किसी दूसरे प्राणी के शोकाश्रु नहीं गिरते हैं। नानुपतंति पद के द्वारा राजा को होने वाले खेद के कारण को बतलाया गया है। मां सौरभे आन सुचो वेतु ते वृषाद भयम मारो दिरम भद्रम ते खड़ानांग महिषास्तरी। हे सौरभेय, हे धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, इस सूत्र से आप निर्भय हो जाए। हे गोमाता, मैं दुष्टों को दंडित करने वाले हूँ, मेरे रहते आप न रोएं, आपका कल्याण हो। इस तरह से कहने के पश्चात भी शोक करने वाले धर्म से राजा ने कहा, हे धेनुपुत्र, आप शोक न करें, आप इस सूत्र से निर्भय रहें। गाय से राजा ने कहा, आप न रोएं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक आपका कल्याण हो। अने कौन पादे जी अभय लोचन अतः सत्रवा अध्याय महाराज परीक्षित द्वारा कलिजुग का निग्रह। सुतोवाच तत्र गोमिथुन राजा हन्यमान वनाथवत दंड हस्तम तपृषणम ददृशे नृपलांचनम। वहां पर राजा परीक्षित ने देखा कि राजा के बेस बनाए हुए कोई शूद्र अपने हाथ में दंडा लेकर गौर बैल के जोड़े को ऐसे पीट रहा था जैसे कि अनाथ हो। सोलहवें अध्याय के बाद सत्रहवें अध्याय में राजा परीक्षित के द्वारा कलि के निग्रह का वर्णन इसीलिए किया जा रहा है कि इस तरह के पराक्रम से संपन्न राजा परीक्षित के अद्भुत वैराग्य का आगे वर्णन किया जा सके। ताड्यमान का अर्थ मारे जाते हुए, अर्थात वह शूद्र गौर बैल को जोड़े को बड़ी निर्दयता के साथ मार रहा था। भृशंग मृणाल धवलम मेहम तमिव बिभ्यतम बेपमान पदैकेन शीदंतं शूद्र ताड़ितम। एक पैर से खड़ा तथा दुखी भयभीत कांपते हुए तथा डर के मारे मूत्र त्याग करते हुए मृणाल तंतु के समान श्वेत वर्ण के बैल को शूद्र के द्वारा पीटे जाते हुए राजा ने देखा। गां च धर्म दुघां दीनां भृशंग शूद्र पदाहतां विवत्सां शास्त्रवदनां क्षामां जब समी। শত্রু হল মানে ঘর ঘরে সে রক্ষি কে সত্য কহ সংকল্প কলা মানে সে শত্রু হয়ে গেলে মাড় হব সত্য কহ না সত্য কহলা মানে তো তিনটা পদ কঠিন গোটে রহব সে ঘরটা গোটা পাদ ঘর বংশা মিশি বন্ধু মিশি বাড়ি বাহার কর নহলে সব নব নষ্ট করি বাড়ি বাহার করে দেব সত্য কাল মানে সত্য কে আরম্ভ কাল মানে ঘর তুমি তার সত্য কহিপার সত্য কহলা মানে ঘর বাহার করাটা সত্য তুমি সত্য কহ গোটে ভাব তুমি কন গোটে সত্য কহলে কি মোটর কে শত্রু হবে তুমি ভাবি গোটে বাহার কর দেখ यस्य राष्ट्रे प्रदाह सर्वा स्रश्यन्ते साध्वया साध्वयः साधुवि तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव के कारण प्रजाएं भयभीत रहती हैं, उस राजा के यश आयु भोग तथा परलोक नष्ट हो जाते हैं। इस शूद्र का वध मैं अपने ही कल्याण के लिए करूंगा, तुम्हारा उपकार करने के लिए नहीं। इस बात को राजा ने यश इत्यादि दो श्लोक से कहते हैं। हे साध्वी अर्थात हे देवी, जिस राजा के राज्य में सारी प्रजाएं दुष्टों के उत्पात के कारण भयभीत रहती हैं, उस राजा के यश आयु और भग भग मतलब भाग्य तथा परलोक ये सबके सब विनष्ट हो जाते हैं। इस राज्ञां परो धर्मो यार्ता नामार्ति निग्रह अत एनं वधिष्यामि
भूतद्रुह असत्तमम, दुखियों के दुख को दूर करने यही राजाओं का सबसे बड़ा धर्म है। अतएव महादुष्ट और प्राणियों के पीड़ित करने वाले इस शूद्र का मैं वध करूंगा। को ब्रस्तव पादां स्त्री सौरभे चतुष्पद मा भूबंग स्वादृशा राष्ट्रीय राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम। शोक करते हुए वृक्ष से राजा ने फिर कहा, आपके तीन पैरों को किसने काटा है? मैं भगवान श्री कृष्ण का अनुजाई राजा हूँ, मेरे राज्य में आपके जैसे दुखी किसी को भी नहीं होना चाहिए। अंजन आस लगी नहीं इतने को तो अनुगत कहले कृष्ण वर्त अनुवर्ती नाम अनुगत अनुजाई। आख्याही वृषभद्रम वह साधु नाम कृता घसाम आत्म वैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। वृष आपका कल्याण हो, निरपराध सज्जनों का अंग भंग करने वाले तथा पांडवों की कीर्ति को दूषित करने वाले को आप बतलाए। जने नागस्यघम जुंजम सर्वतो मत भयम साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते। निरपराध को सताने वाले इसको चाहे यह यहाँ कहीं भी रहे मुझसे भय होना चाहिए। दुष्टों का दमन कर दिए जाने पर सज्जनों का कल्याण ही होता है। यदि आप कहें कि उसको बतलाने से कल्याण कैसे संभव है, तो इसका उत्तर है कि जो कोई भी निरपराध को इस तरह से पीड़ित करता है, इस तरह के लोगों को मुझसे सदा भयभीत रहना चाहिए। इस तरह से दुष्टों का दमन करने से साधु पुरुष का कल्याण होता है। अनागस्वी भूतेषु य आगत निरंकुश आहर्तास्मी भुजंग साक्षात अमर्त्यस्यापि सांगदम। इस संसार में निरपराध भी जीव का जो अपराध करता है वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, उसके बाजू बंद से अलंकृत भुजा को मैं काट डालूंगा। इस दुष्ट को दंडित करने में मैं असमर्थ हूँ, आप इस तरह की शंका ना करें। इस बात को राजा ने अनागह सु इत्यादि श्लोक से कहा। अपराधी को आदस्कृत कहते हैं, निरपराध को दंडित करने वाला चाहे देवता ही क्यों न हो, उसकी भुजाओं को मैं जड़ से ही काट दूंगा। इस बात को सांगदम कहकर सूचित किया गया है। राज्ञो ही परमो धर्म स्वधर्मस्यानुपालनम् शाश्वतो न्यान्यथा शास्त्र मनापद्युत पथानिह। बिना किसी आपत्ति के दूसरे कुमार्गगामियों को इस लोक में शास्त्रानुसार प्रशासन करना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। अब प्रश्न उठता है कि एक का प्रशासन करने और दूसरे पर अनुग्रह करने में आपका कौन सा प्रयोजन है? तो इस पर राजा ने कहा कि अधार्मिकों का शास्त्रानुसार दंड देकर अपने धर्म का पालन करना ही राजाओं का सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, कहले कि तो राजा ने कहा अधर्मियों का शास्त्रानुसार दंड देकर अपने धर्म का पालन करना ही राजाओं का सबसे बड़ा धर्म है। धर्म उवाच एतद्वह पांडवेयानां युक्त मार्ता भयं वचः येषां गुण गणैः कृष्णो दैत्यद्यो भगवान कृत। धर्म ने कहा पांडवों के वंश में उत्पन्न हुए आपके द्वारा दुखी जीवों को अभय प्रदान करने वाली आपकी वाणी आपके स्वरूपानुरूप ही है। जिन पांडवों के गुण समूह ने भगवान को उनके दूत कर्म और सारथी कर्म भी लगा दिया,
धर्म ने कहा कि आप तो इन उन पांडवों के वंश में उत्पन्न हुए हैं जिन पांडवों के गुण से आकृष्ट होकर श्री भगवान उनके दूत तथा सारथी भी बन गए, अतएव आपकी आर्त जीवों के अभय प्रदान करने वाली वाणी उचित ही है। न वयम क्लेश बीजानी यत स्यू पर पुरुषर्षभ पुरुषंतं बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। हे पुरुषों में श्रेष्ठ परीक्षित, शास्त्रों के विभिन्न वाक्यों से मोहित हुए उन पुरुष को नहीं जानता हूं जिससे के क्लेशों का कारण उत्पन्न होते हैं। जिस पुरुष से प्राणियों को प्राप्त होने वाले क्लेशों के बीज उत्पन्न होते हैं उस पुरुष को मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि हम लोग वाद्यों के भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों के कारण मोहित हैं। केचिद् विकल्प वसना आहुरात्मा नमात्मन दैव मन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभु। जो लोग किसी प्रकार के द्वैत को नहीं मानते हैं वे लोग अपने को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। दूसरे लोग दैव अर्थात भाग्य को, उनसे भिन्न लोग कर्म को तथा तीसरे प्रकार के लोग स्वभाव को ही दुख का कारण मानते हैं। तीन प्रकार लोगों के विषय को आला दैव, दूसरे लोग दैव, जो लोग किसी प्रकार के द्वैत को नहीं मानते हैं वे लोग अपने को ही अपने दुख का कारण मानते हैं, हाँ? बतलाते हैं। दूसरे लोग भाग्य को, भाग्य को अपना दुख का कारण मानते हैं। तीसरा उनसे भिन्न लोग कर्म, कर्म को अपने दुख का कारण मानते हैं, और तीसरे प्रकार के लोग स्वभाव को ही दुख का कारण मानते हैं। स्वभाव, स्वभाव, अच्छा, कर्म, स्वभाव, स्वभाव और दैव, निजुग, निजुग ही निज दुख का कारण मानते हैं। केचित विकल्प बसना आहुर आत्मान आत्मन आत्मन निज 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 दुख कारण मानते दैवंग अन्य अपरे कर्म को व्यक्ति मान स्वभाव अपरे प्रभु ये धर्म कह चार कहले को लोक मान मान नहीं बढ़िया बाबा। वाद्यों के वाक्य भेद को ही बतलाते हुए धर्म ने कहा जो जोगी जन भेद को नहीं मानते हैं, जोगी जन माने से माने अभेद दृष्टि देखती ना, सब सब ब्रह्म जानी जो दोष देखा जाए द्वारा से दोष को जी पचार कहीं सदा मानते दोष ही मुझे आने मैंने कहती मान जो मैंने भगवान जानते जोगी मान निजुक मानती दैव को मानती निजर कर्म को मानती निजर स्वभाव को मानती निजर तेणु मुझे उत्तर देवी किए मत दुख देला किए मत बाड़ी क्या कह धर्म कहना मत राजा बाड़ जिनसा जिन क्लीयर बुझे तो जिनसा कौन कौन धर्म आगे पढ़ु था अच्छा बुझे कि हाँ माने स्पष्ट हो पार हाँ ये परीक्षित पचार सांत्वना देदेल तो गो माता को मो भाई राजा था तुम दुखी जो जहाँ राज्य जो प्रजा मान दुखी हम जहां द्वारा ये राजा जो रक्षा न पारे तार बल बीज सामर्थ्य जहां कि सब ध्वंस हो जाए बोलिए से जेहेतु अच्छी तुम्हें चिंता कर से कथा रक्षा करी बुझी बोलिए सांत्वना देगी धर्म को पचार तम तमर ए दशा तुम किस देला
ତିନିଟା ପାଦ ତମର କିଏ କାଟିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ହିଁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ସେଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଭେଦ କୋ ହି ବତଲାତେ ହୁଏ ମାନେ ବାଦିଓ କେ ବାକ୍ୟ ଭେଦ କୋ ଦି ପ୍ରକାର ବାଦି ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହୁଏ ଧର୍ମ ନେ କହା ଯୋ ଯୋଗୀ ଜନ ଭେଦ କୋ ନେଇ ମାନତେ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏ ଅପ୍ନେ କୋ ହି ସୁଖ ଦୁଃଖ କା ପ୍ରଦାତା ମାନତେ ଆତ୍ମୈବ ଇତ୍ୟାଦି ଆତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା କା ବନ୍ଧୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାତା ହେ ଔର ଆତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା କା ଶତ୍ରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାତା ହେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଅଥବା ବିକଳ୍ପ ଶବ୍ଦ କୁତର୍କ ବାଚକ ହେ କୁତର୍କ ବାଚକ କଣ ଉନ୍ କୁତର୍କ ସେ ଯୁକ୍ତ ଯୋ ନାସ୍ତିକ ପୁରୁଷ ହେ ୱେ ଭି ଅପ୍ନେ କୋ ହି ସୁଖ ଦୁଃଖ କା କାରଣ ମାନତେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ଯାକ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ୱେ ଭି ୱେ କିଛି ଦେବତା କେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କୁ ନେଇ ମାନତେ ୱେ ସକୁଚ କର୍ମ କେ ଅଧୀନ ମାନତେ କର୍ମ ତୋ ଅପ୍ନେ ଅଧୀନ ରହନେ ବାଲେ ହେ ତଥା ଅଚେତନ ବି ହେ ଅତେ ୱେ ଅପ୍ନେ କୋ ହି ପ୍ରଭୁ ମାନତେ ଅପ୍ନେ ସେ ଭିନ୍ନ କିଛି ଦୂସରେ କୋ ନିୟାମକ ମତଲବ ଯେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ନେଇ ମାନତେ ଦୂସରେ ଯୋ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ହେ ୱେ ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଦେବତା କି ସୁଖ ତଥା ଦୁଃଖ କୁ ଦେନେ ବାଲେ ମାନତେ ହେ ହଁ ଔର ମୀମାଂସକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମୀମାଂସ କର୍ମ କୁ ହିଁ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ କୁ ଦେନେ ବାଲେ ମାନତେ ହେ ଔର ଚାରବାକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଯାକ ଅଛି ନା ତ ଚାରବାକ ସେମାନେ ଚାରବାକ ସ୍ୱଭାବ କୁ ହିଁ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ କୁ ଦେନେ ବାଲେ ମାନତେ ହେ ଏଠି ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି କୁହାଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ କି ନିଜକୁ ଅଭେଦ ମାନି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ ବିତର୍କରେ ଏଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାଗ ଭାଗ କରି କହିଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ କୋଉଟାକୁ କହିବି କୋଉଟାକୁ କହିବି ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସାରା ହଁ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଦେଇକି ଆସୁଛି ମୁଁ ଏବେ କୋଉଟାକୁ କହିବି ଅପ୍ରତର୍କ୍ୟାଦି ଆମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ତ ପକ୍ଷପାତ ନୁହଁ ନା ସେ ଧର୍ମ ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମ ମୁଁ କୋଉଟା କହିଲେ ପକ୍ଷପାତ ହେବି ନା ନାଇଁ ଚାରବାଗ କଥା କହୁଛି ଚାରବାଗ ହେଇଯିବି ଯଦି ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିବି ସାର୍କର ଗୋଟେ ହେଇଯିବି ଯଦି ନିଜକୁ କହୁଛି ବୋଲି ଇଏ ଗୋଟେ ପଛପଟେ ମୁଁ ତ ନିରପେକ୍ଷ ବାଲା ମୁଁ କୋଉଟା କହିବି ତମେ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛ ଅପ୍ରତର୍କ୍ୟାଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟାଦିତି କେଶ୍ୱପି ନିଶ୍ଚୟ ଅତ୍ରାନୁରୂପ ରାଜର୍ଷେ ବିମୃଶ ସ୍ୱମନିଷୟାମ କୁଛ ବାଦିଓ କା ନିଶ୍ଚୟ ହେ କି ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ କେ କାରଣ କୋ ନ ତୋ ତର୍କ କେ ଦ୍ୱାରା ଜାନା ଯା ସକତା ହେ ଔର ନ ତୋ ଉସକା ବାଣୀ କେ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି କିଆ ଯା ସକତା ହେ ଅତଏବ ଆପ ଅପନି ବୁଦ୍ଧି କେ ଅନୁସାର ଉସକା ବିଚାର କରେ ଯୋ ଲୋକ ଈଶ୍ୱର କୁ ମାନତେ ହେ ଉନ ଲୋକ କେ ଦୁର୍ଲଭତ୍ୱ କୁ କେଶ୍ୱପି ପଦ କେ ଦ୍ୱାରା ବତଲା ଗୟା ହେ କେଶ୍ୱପି କେଶ୍ୱପି କେଶୁଅପି ମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗୀ ଜନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନତେ ହେ ଉନ୍ ଲୋକ କେ ଦୁର୍ଲଭ ମିଳିବାଟା ବଡ କଷ୍ଟ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆର୍ ନିଶ୍ଚୟ ପଦକେ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍କେ କଥନ କୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତାନୁକୂଳ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ହିଁ କହିବେ ୱେ ଲୋକ ବତଲାତେ ହେ କି ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ କେ କାରଣ କୁ ନ ତ ତର୍କ କେ ଦ୍ୱାରା ଜାନା ସକତା ହେ ଔର ନ ତ ବାଣୀ ସେ ସବୁଜ କରଣେ ବାଲେ ପରମାତ୍ମା ହେ ଇସ୍ ବାତ କା ବୁଦ୍ଧିପୂର୍ବକ ବିଚାର କରୁ କରିପାରିବ ନି କହୁଛନ୍ତି ସୁତୋବାଚ ଏବଂ ଧର୍ମେ ପ୍ରବଳତି ସମ୍ରାଟ ବିଜ ସପ୍ତମ ସମାହିତେନ ମନସା ବିଖେଦ ପର୍ଯ୍ୟତସ୍ତତମ ହେ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୋନକଜୀ ଧର୍ମ କେ ଇସ୍ ତର କହନେ ପର ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କା ଖେଦ ଶାନ୍ତ ହୋ ଗୟା ଉନ୍ହେ ଶାନ୍ତମନା ହୋକର ଉସେ କହା କଣ କହିଲେ ରାଜୋବାଚ ଧର୍ମମ୍ ବ୍ରବୀସି ଧର୍ମଜ୍ଞ ଧର୍ମୋସି ବୃଷରୂପ ଧୃକ୍ ଯଦତ୍ ଧର୍ମ କୃତ ସ୍ଥାନମ୍ ସୂଚକଶ୍ୟାପି ତତ୍ ଭବେତ୍ ହେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ଆପ ଧର୍ମ କି ବାତେ କରତେ ହେ ଅତେବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ସେ ଆପ ପୁରୁଷ କା ରୂପ ଧାରଣ କିଏ ଧର୍ମ ହେ କ୍ୟୁକି ପାପୀ କୋ ଜିସ ସ୍ଥାନ କି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋତି ହେ ୱହି ସ୍ଥାନ
चुगली करने वाले को भी प्राप्त होता है। अब कोई भी कोई अपने घातक को भी आप अनिर्धारित के समान बतला रहे हैं, क्योंकि घातों को जानते हुए नहीं बतलाना चाहिए। इस तरह से आप धर्मोपदेश कर रहे हैं, अतएव आप धर्म ही हैं। यदि कहें कि घातक को सूचक को कह देने पर कौन सा दोष होता है तो उसे बतला रहे हैं। जो स्थान पाप करने वाले को मिलता है वही स्थान उसके सूचक को भी मिलता है, अर्थात उसको भी नरक आदि की प्राप्ति होती है। धर्म विषय परीक्षित कहले परीक्षित जी महाराज कहते हैं तुम कथा तुम्हें भी बुझ कि कहले बुझ हाँ जो सब पचार बर्तन ये कारण तार उत्तर होटा कह तुम कथा तुम बुझ चारि प्रकार व्याख्या कले कि गोटे हूँ धर्म धार्मिक योगी जन यहाँ योगी पुरुष नहीं तुम एक परीक्षित निजे विश्लेषण कर आप निजे निजे विश्लेषण कर अथवा देव मायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः। अथवा वो भी निश्चित है कि जीवों के मन तथा वाणी के द्वारा परमात्मा की माया की गति को नहीं जाना जा सकता है, अथवा नहीं जान पाने के कारण भी नहीं कहा जा सकता है। इस बात को राजा ने अथवा इत्यादि श्लोक से कहा है। परमात्मा की बद्ध घातक रूपी वृत्ति जीवों के मन और वाणी का विषय नहीं बनती है, अतएव वो आसानी से जानने योग्य नहीं है, यह निश्चित है। भगवान को के वाणी द्वारा कही पड़ी ना कौन कही पड़ी कौन जीव कथा कह जीव परमात्मा की बद्ध घातक रूपी वृत्ति माने जीवर मनो वाणी द्वारा एटा वर्णना करवा संभव नहीं कह तप शौच दया सत्य मिति पादा प्रकीर्ति अधर्मास्त्रो भग्ना स्मय संगम दईस्तव तपस्या पवित्रता दया और सत्य ये आपके चार चरण बतलाए गए हैं। इनमें अधर्म के अंशभूत गर्व आसक्ति और मद के कारण आपके तीन चरण टूट गए हैं। राजा ने उसे धर्म जानकर उसके चरणों का अनुवाद करके तप इत्यादि दो श्लोक से व्यवस्था बतलाया। अधर्म के तीन चरण के द्वारा आपके तीन चरण टूट चुके हैं। अधर्म के तीन चरण हैं, एक है स्मय, स्मय माने गर्व, दूसरा आसक्ति, आसक्ति माने मद, उन सबों आसक्ति मद उन सबों से धर्म के तप पवित्रता और दया नामक तीन चरण टूट चुके हैं। बुझे तीनटा चरण धर्म प्रथम तीन तपस्या पवित्रता दया कारण नाश कले अधर्म तीन टा चरण गोटे हूँ गर्व आठ आसक्ति आठ मद तीन पादों काटी चलती उन सबों से धर्म के तप पवित्रता और दया नामक तीन चरण टूट गए। तप पवित्र शौच और दया ये तीन टा आगे तटी गले माने बाबा ये जीव कि गर्व गर्वटा बोधे तपटा को नष्ट कला आसक्ति दया को शौच को नष्ट कला आ मद दया को नहीं गला बस इदानीं धर्मं पादस्ति सत्यं निर्वर्तयेज्जत तं जिघ्रूक्षत्य धर्मो यमनृतेर्नैदितः कलिः। हे धर्म इस समय आपका सत्य नामक पाद अवशिष्ट है, जिससे कि आप आत्मधारण कर सके उसको असत्य के द्वारा समृद्ध बना हुआ अधर्म रूपी कली विनष्ट कर देना चाहता है। सत्यता अच्छी सीटा को भी नष्ट कर दी बस तो हे धर्म हाँ हे धर्म इस समय कलयुग में आपके चरणों का चौथा अंश सत्य बचा हुआ है,
उससे आप किसी तरह आत्मधारण किए हैं अथवा सत्य को अपनाकर मनुष्य धर्म को प्राप्त कर सकता है। आपके उस चरण को असत्य के द्वारा समृद्ध बना हुआ कली अर्थात कली रूपी अधर्म विनष्ट कर देना चाहता है। तत्रयं स्थिति इत्यादि धर्म के चार चरणों की स्थिति इस प्रकार है। सत्य युग में पहला धर्म के चार चरण विद्यमान थे, वह चतुष्पाद तथा त्रेता युग में स्मय, स्मय माने गर्भ, गर्भ नामक अधर्मांश से चारों पैर में से तप गर्भ के द्वारा शौच आसक्ति के ओ माने तापर सत्य युग चारिटा आग पद थे चारिपाद जग थे किंतु जितने त्रेता युग आसा से गर्भ आसीगला गर्भ आज पड़े तपटा पड़े तप आ रही अधर्मांश रूपक गर्भ गर्भ द्वारा तप पड़े चारों पर से तप गर्भ के द्वारा और शौच आसक्ति के द्वारा पड़ेगा आसक्ति हुआ पड़े शौच पड़ेगा दया दया मद द्वारा पड़ेगा मद के द्वारा दया और सत्य सत्यता जीव कूटी अनुत व मिथ्या भाषण मिथ्याभाषण के द्वारा सत्य चला जाएगा भाषण के द्वारा इन सबको चतुर्थांश विनष्ट हो जाता है। द्वापर में आधा भी नष्ट हो जाता है, कलयुग में चतुर्थांश बचा रहता है और कलयुग के अंत में वह भी विनष्ट हो जाएगा। यंच भूर भगवता न्यासी तो रुभरा सती श्रीमद्भिस्तत् पदन्यासे ही सर्वतः कृत कौतुका। ये भूदेवी हैं, श्री भगवान ने इनके महान भार को उतार दिया था। श्री भगवान के ऐश्वर्य पूर्ण चरणों के विन्यास से ये सर्वत्र उत्सवमयी बनी रहती थी। श्री भगवान ने दुष्ट क्षत्रिय राजाओं में बैर उत्पन्न करके एक के द्वारा दूसरे का विनाश कर पृथ्वी के महान भार को उतार दिया था। उस समय ऐश्वर्य संपन्न श्री भगवान के चरण विन्यास के द्वारा पृथ्वी मंगलमयी हो गई थी। सोचुकला साध्वी दुर्भगे बोधिता धुनाम अब्रह्मण्या नृप व्याजा शूद्रा भोक्षन्ति मामिति। साध्वी भूदेवी परमात्मा से परित्यक्त हो जाने के कारण अभागिनी के समान आंखों में आंसू भरकर सोच रही है कि राजा का वेश बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मेरा उपभोग करेंगे। इस समय ये भूदेवी अपनी आंखों से आंसू बहाती हुई सोच रही है कि आगे आने वाले मनुष्य में शूद्र ही राजा होंगे, राजा का वेश बनाए हुए वे ब्राह्मण द्रोही होंगे, वे ही सब मेरा उपभोग करेंगे। इति धर्मं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथ निसात माददे खंगं कलये धर्म हेतवे। इस तरह से महारथी परिकेत भूदेवी और धर्म को सांत्वना प्रदान करके अधर्म के कारण भूत कलिजोग को मानने के लिए हाथ में तीक्ष्ण खड्ग ले लिए। भले तंग जिघांसु महिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलं शिरसा समगाद भय विह्वल। राजा परीक्षित को मानने की इच्छा वाला जानकर कलि ने अपने राजा के चिन्ह का परित्याग कर दिया और भय से कामता हुआ वो राजा परीक्षित के चरण में गिर पड़ा। देखो तो किन्दु आक्रमण करी वो पतितं पादयोर विख्य कृपया दीन वत्सल शरण्यो नावधीन सलोक्य आह चेदं हसन्निव। पैरों पर गिरे हुए कली को देखकर दीनों पर दया करने वाले तथा शरणागतों की रक्षा करने वाले राजा परीक्षित उसका वध नहीं किया, वे दया करके हंसते हुए की समान कली से कहा। राजोवाच नते गुड़ाके यशोधराणं बद्धांजलिर बैर भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथं चन
क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। अर्जुन के जसस्वी वंश में उत्पन्न किसी भी वीर से हाथ जोड़े हुए तुमको कोई भी भय नहीं है। किंतु शरणागत केवल मारिया भवन, किंतु तुम अधर्म बंधु हो, अतएव तुमको मेरे राज्य में किसी भी प्रकार से नहीं रहना चाहिए। अधर्म बंधु माने गर्व, आसक्ति, दंभ और मिथ्या। मिथ्या चारिपद हो अधर्म, अधर्म धर्म पाद, गर्व आसक्ति, गर्व आसक्ति दंभ मिथ्या, दंभ और मिथ्या सत्य रो उल्टा ना, गर्व आसक्ति दंभ मिथ्या अधर्म चारिपद। धर्म चारिपद तप, शौच, शौच दया सत्य, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ୟା କଣ। ତ୍ୱାଂ ବର୍ତ୍ତମାନଂ ନରଦେବ ଦେହି ସ୍ୱନୁ ପ୍ରବୃତ୍ତୋ ୟମଧର୍ମ ପୂଗଃ ଲୋଭୋ ନୃତଂ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ମନଜ୍ଜ ମଙ୍ଗୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଚ ମାୟା କଳହ ସଦମ୍ଭ। ତୁମାରେ ରାଜାଓଂ କେ ଦେହ ମେ ରହନେ କେ କାରଣ ହି ଲୋଭ, ଝୁଠ, ଚୋରୀ, ଦୁର୍ଜନତା, ଅହମ, अलक्ष्मी, कपट, कलह और दंभ, यह अधर्म समूह इतना बढ़ा है। तुम्हारा परिवार है कौन परिवार द्वारा से शासन करो प्रजा शासन। उपर्युक्त बात को ही बतलाते हुए राजा परीक्षित कहते हैं कि चूंकि तुम राजाओं के शरीर में निवास कर रहे हो, उसी के कारण सब जगह अनार्ज्य माने दुर्जनता, अंग, स्वधर्म त्याग, माया माने कपट इत्यादि, ये सारे अधर्म समूह इतना बड़े हुए हैं, अतः तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो। न वर्तितव्यं तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञाहम्। अतएव हे अधर्म बंधो, जहाँ पर यज्ञ की विधि को जानने वाले यज्ञों के द्वारा यज्ञों के स्वामी श्री भगवान की आराधना करते हैं, उस सत्य एवं धर्म पूर्वक रहने योग्य इस ब्रह्मावर्त में तुमको नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यह ब्रह्मावर्त नामक देश है, यहाँ पर सत्य एवं धर्म का पालन पूर्वक ही निवास किया जा सकता है। यहाँ पर यज्ञ का विस्तार करने में निपुण पुरुष यज्ञ के द्वारा यज्ञ के स्वामी श्री हरि की आराधना करते हैं, अतएव तुमको इस देश में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जस्विन हरि भगवान निज्यमान इज्या मूर्ति रजतांग संग तनोति कामा नमो घांग स्थिर जंगमाना मंत्र बहिर्वायु रिवैश आत्मा। जिस ब्रह्मावर्त देश में यज्ञमूर्ति श्रीहरि यज्ञों के द्वारा आराधित किए जाते हैं, भगवान श्रीहरि यज्ञों को करने वाले को कल्याण करते हैं और उनकी कामनाओं को सफल बना देते हैं, वे वायु के समान संपूर्ण चराचर में आत्मा रूप से उनके भीतर और बाहर विद्यमान रहते हैं। श्री भगवान की मूर्ति इज्ञा रूपिणी है, जो लोग इसका जजन करते हैं भगवान श्री हरि उनका कल्याण करते हैं और उनकी सारी कामनाओं का पूर्ण करते हैं। इस जगत में जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, उन सबों के भीतर वे अंतर्जामी रूप से विद्यमान रहते हैं और बाहर अंतर प्रदेश तक उसी तरह से व्यापक रहते हैं, जिस तरह वायु सभी वस्तुओं के भीतर और बाहर दोनों प्रकार से व्यापक है। सूतोवाच परीक्षितेर्मवादिष्ट सकलीर्जात वेपतु तमुद्यता सीमाहेदम दंड पाणी विबोध्यतम। राजा परीक्षित के द्वारा इस तरह से आदेश दिए जाने पर कांपता हुआ कली, दंड उठाए हुए जमराज के समान तलवार उठाए राजा परीक्षित से कहा। कौन कोई कलिरुवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि
सार्वभौम तवाज्ञया लक्षये तत्र तत्रापि त्वामातेषु सरासनम्। हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा अनुसार जहाँ कहीं पर भी मैं रहूंगा वहां सर्वत्र मैं धनुष बाण धारण किए हुए आपको देखूंगा, अर्थात आपका भय मुझे सर्वदा बना रहेगा। आपने यह जो आज्ञा दी है कि तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, अतएव जहाँ कहीं भी रहूंगा वहां सर्वत्र आप मुझको धनुष और बाण को धारण किए हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक बोला तनमीत तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वच्च आतिष्ठंस्तेऽनुशासनम्। अतएव हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, आप मुझको ऐसे स्थान को बतला दीजिए जहाँ पर मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए निश्चल रूप से निवास कर सकूं। प्लानिंग करछ देखंतु केबे केरे सुंदर कौशल करछ देखंतु जे मते जौथि भी मो रहले आपको तो दुसुतो मोर भयटा आपको दंड मुसल दिदा मते भय रहितो आगे तण करी मु आउ किछ कर परिनी तरे मते चारटा स्थान दे दियंतु आउ आ जा फाके लागला आउ कोन चारटा मार्किन मान एडा अभ्यर्थित तस्मै स्थानानि कळए ददौ द्यूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्म चतुर्विद। कलियुग के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस कली को द्यूत जुआ जुआ खेलने के स्थान और एक पान पान मारे कौन मद जुड़ी पिया देन मदशाला हसीना का मदशाला देन स्त्रिया तथा सूना कसाई खाना सूना माने कसाई खाना लिखा है कसाई खाना। इन चार स्थानों को प्रदान किया जहाँ पर चार प्रकार के अधर्म होते हैं। अच्छा, मदिरा आदि के पीने का पानम शब्द से अभिहित किया गया है। प्राणियों के बध को सूना कहते हैं। द्यूत में झूठ बोलना पड़ता है। मदिरा पान से मद नामक पाप होता है। इससे पहले 25वें श्लोक में मद का दया का नाश करने वाला कहा गया है और जहाँ पर गर्भ के द्वारा तप का नाश कहा गया है। स्त्रियों में आसक्ति बढ़ती है। हिंसा करने से दया का नाश करने वाली क्रूरता बढ़ती है। यद्यपि सर्वम इत्यादि यद्यपि सभी पाप इन सभी स्थानों में होते हैं, फिर भी प्रधान रूप से द्यूत इत्यादि में मिथ्या भाषण आदि पाप होते हैं। अतः द्यूत इत्यादि को क्रमशः अनृत इत्यादि का जनक जानना चाहिए। अनृत माने मिथ्या। तो द्वादश स्कंद में तू इत्यादि सत्यम दया तपोदानम इत्यादि श्लोक में दान शब्द से शौच को ही कहा गया है, क्योंकि जीवों को अभय प्रदान करने से मन की शुद्धि होते हैं। त्रेतायांग इत्यादि त्रेता में धर्म के चरणों का चतुर्थांश अधर्म के अनृत हिंसा असंतोष तथा विग्रह के द्वारा धीरे धीरे ह्रास होता है। इस श्लोक में असंतोष शब्द के द्वारा उसके कारणभूत गर्भ को लक्षित किया गया है तथा विग्रह शब्द के द्वारा उसके कारणभूत स्त्री संग को लक्षित किया गया है। इस तरह से कहीं भी विरोध नहीं है। ये चारटा स्थान दिले हाँ कौन कौन मन पड़े ना द्यूत मद पान तापरे स्त्री स्त्री तापरे सुना सुना माने जो कौन से खाना ये चारटा स्थान संतुष्ट संतुष्ट नहीं मागुचंती पुनश्चाचमानाय यात रूप मदत प्रभु ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमं। उसके पश्चात भी कलयुग के द्वारा जाचना किए जाने पर
राजा परीक्षित ने कली के लिए सुवर्ण को निवास स्थान के रूप में प्रदान किया। मत गोटे रही स्थान चारटा नहीं बोल पहले से कहले पूरा मुझे देखी डरिकी रही किसी कर धनुष आज मुसल दुष्ट सब सब मानते अनुभव कर मुझे मत रही जगह दिं तो उसके पश्चात भी कलियुग के द्वारा जाचना किए जाने पर राजा परीक्षित ने कली के सुवर्ण को निवास स्थान के रूप में प्रदान किया। इस तरह कली के पांच निवास स्थान हो गए। उन पांचों स्थानों में क्रमशः मिथ्याभाषण, मद, काम, रजोगुण और वैर ये पांच प्रकार के पाप होता है। अच्छा, इन चारों प्रकार के अधर्मों के एक स्थान में स्थिति आप मुझे प्रदान करें। इस प्रकार से याचना किए जाने पर राजा ने उसे सुवर्ण को प्रदान किया। उस सुवर्ण प्रदान से मिथ्याभाषण, मद, काम, स्त्रियों में आसक्ति रूपी काम, रजस शब्द से रजोगुण मूलक हिंसा, इन चार प्रकार के अधर्म स्थान को तथा पांचवे बैर माने सुनारे बैरी अजीव बैर के स्थान को उन्होंने कलियुग को प्रदान किया। अमूनी पंच स्थानानी यधर्म प्रभाव प्रभव कली औतरेण दत्तानी न्यवसत तन्निदेश कृतुम। राजा परीक्षित की आज्ञा का पालन करने वाला अधर्म का मूल कारण कली राजा परीक्षित के द्वारा प्रदत्त इन पांच स्थानों में रहने लगा। अथेतानी न सेवेत बुभुषु पुरुष क्वचित विशेष तो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु। अतएव आत्म कल्याणकामी पुरुष विशेष रूप से धार्मिक राजा लोकस्वामी तथा गुरुजनों को आसक्ति पूर्वक कभी भी इन सबों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये पांच दाग दिन से त्याग करवा उचित। हाँ, वृषस्य नष्टां स्त्रीन पादान स्तपः शौचं दयामिति प्रतिसंदध आश्वास्य महिंच समवर्धयतुम। इस तरह से कली का निग्रह करके राजा धर्म के तप, शौच और दया इन तीनों चरणों को प्रवर्तित किए और पृथ्वी को सांत्वना प्रदान किए। इस तरह से कलियुग को निगृहित करके तथा धर्म और पृथ्वी को आश्वासन प्रदान करके राजा परीक्षित ने टूटे हुए धर्म के तप, शौच और दया रूप पैरों को प्रवर्तित किए। शेष एतर्यध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहे नोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षताम। वन में जाते समय पितामह राजा युधिष्ठिर के द्वारा प्रदत्त राज सिंहासन पर ही राजा परीक्षित विराजमान हैं। सूत जी ने कहा कि आप लोग यह जो सत्र चला रहे हैं वो इसीलिए चल रहा है कि यह राजा परीक्षित के प्रभाव हैं। इस बात को उन्होंने तीन श्लोक में कहा है। इस समय बन जाते समय राजा युधिष्ठिर के द्वारा प्रदत्त राज सिंहासन पर राजा परीक्षित ही विराजमान हैं। इस समय वे इस राज्य का पालन कर रहे हैं। अध्यस्ते पद में वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग वर्तमान सामिश्य के अर्थ में हुआ है। आस्ते धुना स्वराजर्षि कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन गजा वे महाभाग चक्रवर्ती बृहत प्रवाह। इस समय महाभाग चक्रवर्ती महान जसस्वी वे भी राजर्षि परीक्षित हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से सुशोभित हैं। सूत जी ने सोनका आदि महर्षियों को बताया कि राजा परीक्षित महाभाग तथा चक्रवर्ती होने के साथ साथ महायशस्वी हैं। इस समय वे ही हस्तिनापुर का राजा हैं। इत्थं भूतानुभावोय मभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयत अक्षोणीं जूयं सत्राय दीक्षिताः। ये अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित इस प्रकार के प्रभाव से संपन्न हैं। उनके ही
पृथ्वी पालकत्व काल में आप लोग इस दीर्घकालिक सत्र के लिए दीक्षित हुए हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के कलि निग्रह नामक 17वें अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि शरणम् 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 जय जय हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् जय जय हरि शरणम् 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 जय जय हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् जय जय हरि शरणम् जय जय हरि शरणम् जय जय हरि शरणम् hari saranam hari saranam hari saranam hari saranam jaya radhe 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 hari saranam hari saranam hari saranam hari saranam radhe 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 gaura hari go जय।
जय भागवत महापुराण की जय, राधा मदन गोपाल की जय, वेदव्यास भगवान की जय, शुक भगवान की जय, महाराज की जय, श्रीधर स्वामी की जय, अजर सत्संग की जय, गौर भक्त मंडल की जय, गौर भक्त मंडल की जय, अजर सत्संग की जय, गौर संतन की जय, गौर भक्तन की जय, हरिनाम कीर्तन की जय, श्री गुरु भगवान की जय, वृंदावन की जय, सनातन की जय, जय जय श्री राधे।